हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरेस्ट बिफोर जजमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हम एंट्री मोडर वाले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं उनमें से आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसको, अरेस्ट बिफोर जजमेंट के बारे में। अच्छा देखिए, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग को नोट्स का दिक्कत है बहुत, तो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। हाँ, और ये जो अभी हम जैसे अरेस्ट बिफोर जजमेंट की बात करेंगे तो ये ऑर्डर 38 है, ठीक है। उसमें अरेस्ट बिफोर जजमेंट के साथ साथ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की भी बात हुई है, तो उन दोनों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे दोनों टॉपिक्स को, तो एक ही साथ में फ़ाइल जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बिफोर आई प्रोसीड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अन अकेडमी। अन अकेडमी इज़ प्रोवाइडिंग यू अ वेरी गुड 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 सर्विसेज रिगार्डिंग एजुकेशन एंड दैट टू फॉर द जुडिशरी। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्पेशल क्लासेस लेकर के और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो जुडिशरी की प्रिपरेशन, जिसके लिए सिर्फ आपको मेरा ये कोड ARCHNA लगाना होगा। और अगर आप बैच में पढ़ना चाहते हो तो प्लस कोर्सेज के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, उसमें भी आप मेरा कोड लगा करके 10% ऑफ ले सकते हो। लाइव एक्सपीरियंस मिलता है आपको अन अकेडमी के थ्रू पढ़ने का। इसके साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस होती है सभी कोर्सेज की। टॉप एडुकेटर्स इंडिया के एक प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हैं। एक्सॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज होती है स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, और आंसर राइटिंग सेशन भी आपको कराए जाते हैं। स्पेशल क्लासेस आपके हर सब्जेक्ट की आपको देखने मिल जाती है, हर सब्जेक्ट की, चाहे आप CRPC पढ़ना चाहो, एविडेंस पढ़ना चाहो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहो, सभी सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेस होती हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट आपको कोड अप्लाई करना है। इंडिया का अभी तक का जुडिशरी के लिए अभी तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 18 जुलाई को ये टेस्ट होगा, ठीक है। और वहाँ पर आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि 200 बच्चों तक को प्राइजेस मिलने वाले हैं। 200 तक के स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जिनको प्राइज मिलेंगे। रिवॉर्ड्स में एप्पल मैकबुक है, ऑब्वियसली जो बच्चा विनर होगा, आईफोन 11 है, काफ़ी अच्छे आप स्कोर करके आते हैं, आईफोन 11 है, एप्पल एयरपोड्स हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे प्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो, जैसे टॉप रैंक है अगर आपकी तो आपको 100% प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए इसी टेस्ट की प्रिपरेशन को कराने के लिए। आप स्कॉलरशिप अगर चाहते हैं अवेल करना तो प्लीज़ टेस्ट को ज़रूर 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 अटेम्प्ट करना। और ये ऑफ़र एक दो दिन में एंड होने वाला है कि 12 महीने के सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 महीने का फ्री, 18 महीने का लेना चाहते हो 2 महीना फ्री, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 3 महीना फ्री है। एक ये जुडिशियरी का बैच है जो 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारे, मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का भी, GK का, सभी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। और ये आपको पता है कि मॉक टेस्ट चलते हैं अन अकेडमी पर सुबह 9 से 9:30, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना होता है और अटैम्प्ट करना होता है। अगर अभी तक नहीं किए हो तो ARCHNA कोड लगा लेना और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद देखो, अभी ये प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं जैसे मैं आपको इतने दिन से बताई थी, फिर भी इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर आप 24 महीने देखो, आपको 50,000 रुपये पे करने हैं, यानी एक साल का, मतलब 12 महीने का आपको पड़ जाता है कितना, 25,000 रुपया। उस पर भी अगर आप मेरा कोड लगा लो ARCHNA तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। और इसके ऊपर भी आपके पास EMI का भी ऑप्शन है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको एडवांटेज है अभी, क्योंकि चल रहा है कि अगर आप 24 महीने के जाते तो आपको फ्री मिलता है। कितने मंथ्स मैंने अभी आपको बता दिए हैं कि अगर आप 24 महीने के लिए जाते तो आपको 3 महीना जो है वो फ्री मिल जाएगा। हाँ जी, तो इंट्रीम ऑर्डर को समझ रहे थे हम, ये हमारा पार्ट 3 है, और उसमें देखिए ऑर्डर 38 हम पढ़ रहे हैं जो कि डील करता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से। और आज की क्लास में सिर्फ अरेस्ट बिफोर जजमेंट, जो कि ऑर्डर 38 के रूल 1 से लेकर और 4 तक हम आज पढ़ेंगे। इंट्रीम ऑर्डर के प्रोविज़न CPC में जो अभी तक हमने कवर किए हैं वो कवर किए हैं पेमेंट इन कोर्ट ऑर्डर 24, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट ऑर्डर 25, ये हमने एक क्लास में किया था इसीलिए वो पार्ट 1 था। फिर कमीशन पे गए हम, जो पार्ट 2 था, मतलब हमारा
इंट्री मोटर का पार्ट टू था, लेकिन वो कमीशन को हमने कवर किया था आराम से दो पार्ट्स में, ठीक है। तो फिर अब जजमेंट प्रिसीडेड बाय अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट, जो कि ऑर्डर 38 है, हमें पढ़ना है। तो पहले नेचर एंड स्कोप समझते हैं। नेचर एंड स्कोप देखिए, देखिए क्या होता है कि जब भी हमने बात की अरेस्ट बिफोर जजमेंट, तो यानी अभी जजमेंट आना बाकी है और उससे पहले ही अरेस्ट होना है, तो अरेस्ट किसका होना है उसी के बारे में हम समझते हैं। एक क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर का मतलब लेनदार। जैसे ए ने बी से कुछ पैसे लिए, तो ए ने पैसे लिए वो डेटर हुआ, बी ने पैसे दिए वो क्रेडिटर हुआ, ठीक है ना। तो बी ने पैसे दिए मतलब वो लेनदार है ना पैसे का, तो डी और ए क्या हुआ, वो देनदार है, उसकी देनदारी बैठती है। तो डी से डेटर, डी से देनदार, और सी से क्रेडिटर, लेनदार। तो यानी कि क्रेडिटर जो क्लेम ऑप्टेन करता है अगेंस्ट डेटर, उसको सबसे पहले क्लेम ऑप्टेन करने से पहले दावा पेश करना होगा कोर्ट में कि ये जो है मेरे से उधार लेके गया है, और उसके फेवर में एक डिक्री आना चाहिए। उसके फेवर में, किसके फेवर में, क्रेडिटर के फेवर में और डेटर के अगेंस्ट में। चलो डिक्री आ गया, अब उसको ये जो डिक्री आया है ये उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो ऐसे कैसे एग्जीक्यूट कराएगा वो डिक्री को, या तो वो अरेस्ट करा करके या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें जो होंगे, ये दोनों एग्जीक्यूशन जो होगा वो ऑर्डर 21 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन क्रेडिटर जो होता है वो अरेस्ट ऑफ डेटर या अटैचमेंट उसकी प्रॉपर्टी वो जजमेंट से पहले भी कर सकता है ऑर्डर 38 में, ठीक है। अभी जजमेंट नहीं आया है, हमने बोला एक क्रेडिटर है एक डेटर है, क्रेडिटर ने पैसे लेने हैं, डेटर ने देने हैं। अब जब डिक्री आया फेवर में क्रेडिटर के कि भाई इसके पैसे लौटा दो, वो नहीं लौटा रहा है डिक्री आने के बावजूद भी, तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है व्यक्ति को जो नहीं पैसे लौटा रहा, मतलब डेटर, और या उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। तो ये प्रोविज़न ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन के आ जाते हैं। लेकिन अगर अभी जजमेंट आया नहीं है, उससे पहले भी अरेस्ट और उससे पहले अटैचमेंट दोनों हो सकते हैं एज़ पर ऑर्डर 28। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये इंसर्ट करने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि प्लेंटिफ को उसका पैसा वापस मिल जाए, प्लेंटिफ को उसका पैसा वापस मिल जाए, और डिक्री जो है अगर उसके फेवर में आने वाली है या अल्टीमेटली आ जाती है तो उसका फेवर में उसका जो आने वाला पैसा है उसको मिल जाए। तो मेन ऑब्जेक्ट इस प्रोविज़न का यही है कि प्लेंटिफ को उसका पैसा, डिक्री का जो पैसा है वो मिल जाए, और इसके साथ साथ डिफेंडेंट जो है वो जो डिक्री आएगा किसके फेवर में आएगा, प्लेंटिफ के फेवर में आएगा, तो उस डिक्री को वो एग्जीक्यूट करने से ना रोके। इसी को बात करते हुए यही बातें रमन टेक एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सोलंकी ट्रेडर्स 2008 के केस में भी हेल्ड हुई थी। अब हमारे पास कुछ ग्राउंड्स हैं जिनको रूल 1 से रूल 4 में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले रूल 1 देखो क्या कहता है, कहते ग्राउंड, कहते किन ग्राउंड्स पे हम अरेस्ट कर सकते हैं एक व्यक्ति को बिफोर जजमेंट, ठीक है। तो रूल 1 में हम वो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ सेक्शन 94 भी कुछ कहता है और 95 भी कुछ कहता है। तो 94 क्या कहता है उसकी बात पहले हम सुन लेते हैं। तो सेक्शन 94 बात करता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में कह रहे हैं कि कभी भी क्या करने के लिए कि जस्टिस मतलब हो जाए, जस्टिस हो जाए, या हम कहें कि जस्टिस ना हो पाए उस चीज़ को रोकने के लिए। उन्होंने इस तरीके से कहा है कि भाई एंड ऑफ जस्टिस ना हो, डिफीट ना हो, उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, कोर्ट जो होती है कुछ प्रोसीडिंग्स कर सकती हैं, जैसे कि एक वारंट टू अरेस्ट इशू कर सकती है डिफेंडेंट को, और उसको कोर्ट के सामने लाया जा सकता है कि आप हमें रीज़न दिखाओ कि आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं पे करनी, अपनी अपीयरेंस की सिक्योरिटी क्यों नहीं पे करनी, और अगर वो इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा इस कोर्ट में, भाई उसको फिर प्रिजन में, जेल में डाला जा सकता है। फिर 95 कहते हैं कि अगर इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट करने के लिए बोला गया या अटैचमेंट करने के लिए बोला गया, इंजंक्शन के लिए बोला गया, जो 94 है ना इसमें सारी चीज़ें हैं, अरेस्ट भी है, अटैचमेंट है, क्लोज ए से लेके क्लोज ई तक है। तो 95 में यही कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट को इनसफिशिएंट ग्राउंड पे ऑब्टेन करने की कोशिश करें, अरेस्ट करने की या अटैचमेंट करवाने की कोशिश करें, इंजंक्शन लाने की कोशिश करें, तो उस केस में अगर डिफेंडेंट जो है एप्लीकेशन लगाता है और तो उस केस में क्या होएगा। तो यही सिंपल सी बात ये बताते हुए कह रहे हैं
कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो अरेस्ट है, अटैचमेंट इंजंक्शन है, वो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे आया है, या प्लेंटिव का सूट फेल हो जाता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई रिजनेबल या प्रोबेबल ग्राउंड्स तो है ही नहीं कि ये सूट आना चाहिए था, जो प्लेंटिव सूट लेके आया ये आना ही नहीं चाहिए था, फिर वो क्या करेंगे, डिफेंडेंट अप्लाई करता है कोर्ट को कि भाई मुझे कंपनसेशन दिलाओ, तो कोर्ट 50,000 रुपये तक, नोट एक्सीडिंग 50,000 ऐसा लिखा हुआ है, तो मतलब 50,000 से ज़्यादा नहीं मांग सकती है, 50,000 से कम ही डिफेंडेंट जो है उसके लिए कंपनसेशन मांग सकते हैं। अब देखना, ये बात तो लिख दिया कि 50,000 से ज़्यादा का कंपनसेशन नहीं मांग सकता डिफेंडेंट, लेकिन उसमें भी आगे उन्होंने बोला है कि भाई प्रोवाइजो दे करके ये जो कोर्ट है उसके पैकुलर जिसडिक्शन से कम नहीं होना चाहिए, उसके उनके पैकुलर जिसडिक्शन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी कि उनके पैकुलर जिसडिक्शन से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि अगर हम समझ के चलें कि भाई अगर जो है कोर्ट का जिसडिक्शन 20,000 रुपये का है तो 20,000 रुपये तक ही, ठीक है, मैक्सिमम 50,000 रुपये है डिपेंडिंग अपॉन द जिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट का जिसडिक्शन सिर्फ 20,000 रुपये तक का है तो मैक्सिमम लिमिट कितना कॉम्पेंसेशन का है, तो 20,000 रुपये, तो इट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द पैकुलर जिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो यही बात उन्होंने कहा है। आगे बोला, कोई भी ऑर्डर जो इस एप्लीकेशन पे आएगा, जो कोई भी ऑर्डर होगा जो कि इस एप्लीकेशन पे जो ये डिपेंडेंट लेके आया है, वो क्या करेगा, एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन, ठीक है। जब कोई एप्लीकेशन, भाई अगर हमने कहा कि कोई भी ऑर्डर बनाया जाता है और इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है, तो व्यक्ति अगर सूट फॉर कंपनसेशन लाना चाहता है, अब देखो यहाँ पर वो एप्लीकेशन लेके आ गया, ठीक है ना, अब वो व्यक्ति एप्लीकेशन लेके आ गया, जी मेरे को ज़बरदस्ती गलत चीज़ों में फंसाया जा रहा था, मुझे तो इससे मेरी मानहानि हुई है, लोगों ने समाज में मुझे ऐसा समझा जबकि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, तो अभी क्या मुझे इससे कंपनसेशन दिलवाइए, तो वो कंपनसेशन दिलवाने के लिए आ गया, तो उसने एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है, अब उसने एप्लीकेशन लगा दी, फिर बाद में वो इसके ऊपर सूट फाइल करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, फिर वो बाद में सूट फाइल नहीं कर सकता, जब एक एप्लीकेशन ले आए तो एप्लीकेशन बार कर देगी कि कंपनसेशन का सूट जो है वो नहीं आ सकता। तो 94-95 क्लियर हो गया। अब रूल वन चलते हैं। तो रूल वन क्या कहता है, रूल वन हमें बताता है ग्राउंड्स बताता है कि कब जो है किन ग्राउंड्स पे हम डिफेंडेंट को सिक्योरिटी फॉर अपेयरेंस के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, तो किन ग्राउंड्स पे हम सिक्योरिटी फॉर अपेयरेंस के लिए उससे जो है मांग सकते हैं। तो ए से हमारे पास क्लोज बोला उन्होंने, आगे क्या कहा, ए से क्लोज बताते हुए बी तक भी बताई हुई हैं बातें, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि सेक्शन 16 की क्लोज ए से लेकर डी को भी समझ लेना, कह रहे हैं कि जब भी किसी भी सूट की किसी भी स्टेज पर बस इतना ध्यान रखना कि सूट का जो नेचर होना चाहिए वो सेक्शन 6 की क्लोज ए से लेकर डी तक जो नेचर है वो वाला नहीं होना चाहिए, अदर देन ए सूट ऑफ नेचर रेफर टू इन सेक्शन 16 टू क्लोज ए टू ले क्लोज ए टू क्लोज डी तक। तो सेक्शन 16 क्या कहता है, देखो सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, तो जब इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, तो उन्होंने कहा ए से डी तक, तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ई एफ को उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने ए से डी तक का बोला कि भाई रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, चाहे रेंट और रेंट से प्रॉफिट उस केस की बात हो रही है, या पार्टीशन की बात हो रही है, फोरक्लोजर की बात हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, या डिटर्मिनेशन किसी भी तरीके के राइट का, इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन है, इन चीज़ों की बात हो रही है, तो उसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, इन चार चीज़ों पर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ए से डी की उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का सूट हो, किसी भी स्टेज पर सूट की, बस यहाँ पर सूट का नेचर कैसा नहीं होना चाहिए, सेक्शन 16 की क्लोज ए से डील वाला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में कोर्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं एफिडेविट से या फिर किसी और तरीके से कि जो व्यक्ति है, यानी कौन व्यक्ति, जो डिफेंडेंट है वो जो डिले करने के लिए, उसने क्या करने के लिए, डिले करने के लिए प्लेंटिव को या फिर किसी भी कोर्ट के किसी प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए या फिर डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कुछ कर रहा है, ठीक है, या ये समझ में आ रहा है, डिफेंडेंट का इंटेंशन है कि वो प्लेंटिव को डिले करना चाहता है, प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को डिले करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहता है, डिले करना चाहता है द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री जो उसके अगेंस्ट पास हो सकती है, क्या, और वो क्या कर रहा है इस इंटेंशन के साथ में, या तो वो भाग चुका है या उसने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से वो छोड़ चुका है, वो या तो हैज एब्सकॉन्डिंग और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, या फिर वो भागने वाला है या लोकल लिमिट्स जो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है उससे दूर जाने वाला है, या तो उसने प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज ऑफ कर दी है या फिर वो हटाने वाला है,
has disposed of या removed of from the local limits of jurisdiction of the court, तो उस केस में, समझ गए, इसका क्लियर हो गई बात कि अगर ये वाली बात, ये करने काम करने का उसका इंटेंशन है भागने का कोर्ट यहाँ से, ठीक है, लोकल लिमिट से, या तो भाग चुका या भागने वाला है या प्रॉपर्टी को रिमूव करने वाला है, कर चुका, ठीक है, तो उस केस में जब भी क्या उसका इंटेंशन क्या रहता है, इंटेंशन रहता है प्लेंटिव को डिले करने का, कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करने का, ऑब्स्ट्रक्ट करने का, डिले करने का एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री, तो वो ये तीनों में से कोई भी काम करता है, तो उस केस में कोर्ट जो होते हैं वो ये रूल वन में जो है क्या करते हैं ग्राउंड्स देता है ये कि उसको बोल सकते हैं कि आप सिक्योरिटी जो 94 में हमने पढ़ा उसको जो है सिक्योरिटी आपको फर्निश करनी होगी। फिर क्लोज बी कहता है अगर डिफेंडेंट इंडिया छोड़ने वाला है ऐसी सर्कमस्टांसिस में जिसमें रीजनेबल अपोर्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि प्लेंटिफ जो है विल और मे देयर बाय बी ऑब्स्ट्रक्टेड और डिले, फिर उसे जो इंडिया छोड़ गया तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, मतलब प्लेंटिफ जो है प्लेंटिफ का काम पूरा नहीं हो पाएगा, प्लेंटिफ डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा या डिले हो जाएगी, देरी हो जाएगी उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, है ना, डिक्री की, तो जो कि डिफेंडेंट की अगेंस्ट आएगी, तो कोर्ट एक इशू कर सकते हैं, क्या एक वारंट टू अरेस्ट इशू कर सकते हैं डिफेंडेंट को और उसको कोर्ट के सामने ला सकते हैं, और वही चीजें यहां पर बात की, उससे पूछा जाएगा कि आप रीजन बताओ, शो केस करो कि भाई शो कॉज करो, रीजन कॉज जो है वो शो करो कि भाई व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस के लिए उसकी सिक्योरिटी जो है आप क्यों नहीं उसे देनी, वही 94 वाली क्लोज एक ही बात। प्रोवाइजो कहता है कि डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, शैल यूज हुआ नहीं किया जाएगा, अगर जो ऑफिसर हैं, कौन से ऑफिसर जिनको एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट कराने के लिए भेजा गया है, तो उनको जो वारंट में जो भी पैसा बोला गया है ना कि भाई ये पैसा आपको देना है, ये वारंट में दिया हुआ है, तो कोई सम स्पेसिफाइड है अगर वारंट के अंदर, तो भाई प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो जो पर्सन है, जो डिफेंडेंट है, वो डिफेंडेंट जो है वो उस ऑफिसर को वो मनी दे देता है, और सच सम जो है, जो सम है वो डिपॉजिट में कोर्ट के पास जमा हो जाते हैं, उसके रखने के लिए वो तैयार हो जाता है, तो फिर उस केस में उसे अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रोवाइजो कहता है कि डिफेंडेंट शैल नॉट बी अरेस्टेड अगर वो पे कर देता है ऑफिसर को जिनको एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के लिए कहा गया है, कि अगर ये कुछ सम है, इस सम को आप दे दो, वो प्लेंटिफ का क्लेम सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये सम जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है कोर्ट में जब तक सूट डिस्पोज ऑफ नहीं होता या कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता, तो उस केस में भी डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लो, ए व्यक्ति है, ठीक है, इसके खिलाफ यही वाला ग्राउंड वन में देखते हुए कि भैया छोड़ने वाला है इंडिया को, हमने ऑर्डर इशू कर दिया अरेस्ट करने के लिए, तो जो पर्सन, जैसे बी को हमने भेज दिया कि वारंट आप लेकर के जाओ, और वारंट पे लिख दिया प्लेंटिफ का क्लेम इतना है 50,000 रुपये का, तो लेके चला गया। अब अगर ये डिफेंडेंट जो है ये 50,000 रुपये दे देता है इनको और बोलता है कि आप कोर्ट में जमा करा दो, ये मेरी सिक्योरिटी के तौर पे जमा करा दिया, तो फिर उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने यही बोला कि भाई उससे यही पूछना है कि आपको रीज़न क्या है, आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे, तो फिर अगर सिक्योरिटी दे दी उसने तो फिर बात ख़त्म हो जा रही है, फिर उसको अरेस्ट होने से हम छोड़ सकते हैं, मतलब अरेस्ट उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ था डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, क्योंकि हमने कहा था कि कोर्ट को जब भी ये देखो, जब भी ये डिसीज़न लेना है तो कोर्ट को बहुत ध्यान से लेना होता है, बहुत सावधानी से लेना होता है, जब भी वो अरेस्ट बिफोर जजमेंट की बात करते हैं, कोर्ट के पास मटेरियल रीजंस होने चाहिए कि अगर ये पावर एक्सरसाइज नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, और डिफेंडेंट या तो खुद यहाँ से भाग सकता है या प्रॉपर्टी को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से भगा करके, मतलब बेसिकली ख़त्म कर सकता है, ठीक है। द पावर जो अरेस्ट है बिफोर जजमेंट वो किसी भी तरीके से ना तो कोर्जन की तरह यूज़ करनी चाहिए, ना कंपेल करने के लिए डिफेंडेंट को कि भाई टर्म्स हैं उन पर वो अग्री हो जाए, भाई उसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वो करने दे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, न्याय के लिए होना चाहिए। तो कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि एन एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट में भी मेड बाय प्लेंटिव, हमने पढ़ा अभी हम पढ़ के आए, एक एप्लीकेशन कौन बनाता है, प्लेंटिव बनाता है, किसी भी टाइम पे बना सकता है जब उसने प्लेंट जो है प्रेजेंट करी है, ये तभी भी हो सकता है जब समन इफेक्टेड हो गए हैं डिफेंडेंट पे, मतलब समन डिफेंडेंट को इशू हो गए, उससे पहले भी ये एप्लीकेशन आ सकती है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ये एक्सरसाइज की जाए उससे पहले कोर्ट को दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि जो सूट जो प्लेंटिफ ने फाइल किया है बोनाफाइडली फाइल किया है, गुड फेथ में किया हुआ है, और उसके पास ऐसे
मतलब अनइम्पीचेबल कोर्स ऑफ एक्शन है सब्जेक्ट टू प्रूविंग द एलिगेशन इन द प्रिंट। उसके पास बहुत ज़्यादा अनइम्पीचेबल कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि वो प्रूव करने वाला है एलिगेशंस को प्रिंट में बनाए हुए को। कोर्ट कन्विंस्ड होने चाहिए कि अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हमने नहीं इस्तेमाल की तो डिफेंडेंट जो क्या करेगा, वो अपने आप को या तो हमारे यहाँ से चला जाएगा या छोड़ करके, या फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो ख़त्म कर देगा। रूल वन में हमने पढ़ लिया कि डिफेंडेंट से बोला जा सकता है कि आप सिक्योरिटी फर्निश कीजिए अपनी अपेयरेंस के लिए, ठीक है। फिर आइए रूल टू पे। रूल टू कहता है कि भाई सिक्योरिटी, कहते हैं कि जब डिफेंडेंट जो कोज पूछा गया उससे, अभी लास्ट हमने रूल में पढ़ा, तो अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है वो रीज़न दिखाने के लिए, तो कोर्ट इशू कर सकते हैं एक ऑर्डर, मतलब इशू कर सकते वाली बात नहीं, कंपल्शन है, कोर्ट करेंगे, शैल वर्ड यूज़ हुआ है, कोर्ट इशू करेंगे, या तो उसको बोलेंगे कि आप डिपॉजिट करो पैसा कोर्ट में, या फिर प्रॉपर्टी डिपॉजिट करो, कितना, जितना जो क्लेम उसके अगेंस्ट आया, जैसे 40,000 रुपये का क्लेम आया है, तो या तो 40,000 रुपये ऐसी सिक्योरिटी कोर्ट में जमा करा दो, है ना, या फिर आप क्या करो, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो कि 40,000 रुपये तक की है वो जमा करा दो, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने अपेयरेंस के लिए सिक्योरिटी बना के लाओ कि जब भी बुलाया जाएगा आप आओगे सूट पेंडिंग होने तक, या फिर जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा डिक्री का उसके अगेंस्ट जो पास किया गया है, या फिर कोई और ऑर्डर भी कोर्ट चाहे तो बना सकती हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात हमने यहाँ पे कर ली। और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट इन रिगार्ड टू द सम विच मे हैव बीन पेड बाय द डिफेंडेंट अंडर द प्रोविजो ऑफ द लास्ट प्रोसीडिंग रूल। इसमें ये देखो ये क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि कोई और ऑर्डर बना सकते हैं, लेकिन किससे रिलेटेड, जो हमने लास्ट रूल में प्रोविजो में पढ़ा। प्रोविजो में हमने क्या पढ़ा था अभी, प्रोविजो में उन हमने ये पढ़ा था कि जो व्यक्ति है, जो अगर वो जिसको हमने भेजा है एग्जीक्यूट कराने के लिए वारंट, उसको मतलब एंट्रस्ट करके भेजा है कि आप वारंट में इतने रुपए हैं, प्लेंटिफ का क्लेम इतने रुपए है, तो अगर वो उतने रुपए दे देता है और वो कोर्ट में फिर पैसा आ जाता है, तो उसको फिर हम यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई और रूल बनाना है ना इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो बना भी सकते हैं कोर्ट, ठीक है। फिर सब रूल टू इसका कहता है, रूल टू का, कि जो भी श्योरिटी हमने यहाँ पे बोला ना, श्योरिटी बुलानी होगी, तो जो श्योरिटी बनेगा अपेयरेंस ऑफ डिफेंडेंट के लिए, उसको अपने आप में खुद को बाइंड कर लेगा, क्या, कि अगर वो पर्सन अपेयर नहीं होता, मतलब डिफेंडेंट नहीं आता, या फिर कोई सम ऑफ मनी है जो कि डिफेंडेंट को ऑर्डर किया जाता है पे करने के लिए, वो पे नहीं करता, तो श्योरिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सिंपल सी बात है, गारंटर कोई पकड़ेंगे ना, तो केस लो देखो, स्टीफन कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस वेजिल एमटी जायमा नावर्ड 1999 का केस। यहाँ पर कहा गया कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो एज़ टू द मैनर एज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, कि किस तरीके से हम सिक्योरिटी रखेंगे और किस तरीके से हम सिक्योरिटी की क्या अमाउंट रखेंगे। रूल थ्री क्या कहता है, प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय सिक्योरिटी टू बी डिस्चार्ज। तो अभी हमने श्योरिटी के बारे में पढ़ा, उसी के बारे में कह रहे हैं कि जब श्योरिटी चाहता है कि मेरे को डिस्चार्ज कर दीजिए प्लीज़, मैं इस डिफेंडेंट की अपेयरेंस के लिए अपने आप को श्योरिटी नहीं बनाना चाहता, तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरे को इस ऑब्लिगेशन से आप मुक्त कर दीजिए। सिंपल सी बात है, श्योरिटी जो कि डिफेंडेंट की अपेयरेंस के लिए बना था, कोर्ट में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए मेरे ऑब्लिगेशन से। तो जो ये एप्लीकेशन बनी है उसके बाद कोर्ट समन करेंगे इशू डिफेंडेंट को कि आप कोर्ट में आइए, और अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो उसके वारंट को अरेस्ट के लिए भी डाल सकते हैं। समन इशू करेंगे कि आप कोर्ट में आओ, श्योरिटी ने मना कर दिया, तुम्हारी गारंटी नहीं ले रहा, तो अब यहाँ पर या तो उसको बोल रहे आप आओ, समन टू कॉल उसको बुला रहे, नहीं तो कोर्ट को लगता है कि भाई बंदा बड़ा ढीठ है नहीं आएगा, वारंट भी इशू कर सकते हैं उसके अरेस्ट के लिए। और अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आ जाता है समन या वारंट की वजह से, तो या फिर खुद ही आ जाता है वॉलंटरी सरेंडर कर देता है, तीनों केस हैं, समन इशू हुए या वारंट इशू या खुद ही वॉलंटरी सरेंडर कर देता है, तो उसे कहेंगे कोर्ट शैल डायरेक्ट द श्योरिटी, कोर्ट कहेंगे कि देखो भाई हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं आपके ऑब्लिगेशन से, और हम जो डिफेंडेंट को बोलेंगे देखो ये तो हमने अब डिस्चार्ज कर दिया, इसने एप्लीकेशन लगाई थी, जाओ एक नया श्योरिटी ढूंढ के लेके आओ अपने लिए। और अगर वो फ्रेश, रूल फोर कहता है अगर व्यक्ति फ्रेश
जो सिक्योरिटी है नहीं रखता, फर्निश सिक्योरिटी नहीं कर पाता, रूल टू रूल थ्री के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन में डाल देंगे जब तक कि सूट का डिसीजन नहीं आता या डिक्री जो होता है वो उसके अगेंस्ट पास नहीं कर दिया जाता, ठीक है। या जो डिक्री उसके अगेंस्ट पास हुआ है दोनों केसेस उसके अंदर आ गए, जब तक उसके अगेंस्ट डिक्री नहीं आ जाता तब भी, और अगर डिक्री आ गया है तो भाई जब तक डिक्री का पालन नहीं हो जाता तब तक, दोनों ही केसेस, डिक्री नहीं आया तो कोर्ट में डाले रखेंगे, डिक्री आ गया तो जब तक पालन नहीं हो जाता तब तक। प्रोवाइजो कहता है कि किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं करेंगे प्रिजन में इस रूल के अंदर 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को प्रिजन में, जो हमने यहाँ पे बात की कि जेल में डाल देंगे उसको अगर श्योरिटी नहीं लाया या फिर सिक्योरिटी नहीं उसने पे करी, तो 6 महीने तक के लिए जेल में डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं है तो उस केस में 6 हफ्ते से ज़्यादा उस व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकते। दूसरा प्रोवाइजो भी है, वो आगे कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम एक जेल में नहीं रख सकते अगर वो ऑर्डर को कंप्लाइड कर देता है, अगर वो ऑर्डर को फॉलो कर लेता है तो फिर उसे क्यों जेल में रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये भी हमने पढ़ ही लिया कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट कब अलाउ नहीं है, तो सेक्शन 16 की क्लोज ए से लेके डी तक अलाउ नहीं है, और अरेस्ट बिफोर जजमेंट तब भी अलाउ नहीं होते हैं जबकि अनसिक्योर्ड डेट को हमने सिक्योर्ड डेट में कन्वर्ट करना है या फिर इंश्योर है इजी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इजीली हम क्या कर सकते हैं डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, फिर क्यों उसे अरेस्ट करना हो, ठीक है ना। जब अनसिक्योर्ड डेट को सिक्योर्ड डेट में कन्वर्ट करना है तो नहीं हम उसको अरेस्ट करा सकते, और जब इजीली तरीके से एग्जीक्यूशन हो सकता है डिक्री का तो क्यों अरेस्ट कराएं। सेक्शन 16 की क्लोज ए से लेके डी तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया क्या कहता है। फिर आता है अपील एंड रिवीजन, तो क्या इस ऑर्डर के जो 38 है उसके रूल 1 से लेके 4 तक जो हमने पढ़ा उसकी अपील हो सकती है, बिल्कुल अपील हो सकती है। क्या उसका रिवीजन हो सकता है, बिल्कुल रिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो अपील भी हो सकता है और उसका रिवीजन भी होता है। 94-95 क्या बात करता है हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्लास अटैचमेंट फॉर जजमेंट पे होगा, रूल 5 से लेके रूल 13 तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।